एडीजी जोन अखिल कुमार ने भारत व नेपाल सीमा पर कहा कि भारत व नेपाल खुली सीमा है, नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और यहां परंपरागत रूप से लोगों का आवागमन फ्री है, जो कि सुरक्षा के दृष्टिगत एक चुनौती है। वहां पर अराजक तत्वों द्वारा देश विरोधी सामग्री ले जाने वाले लोगों पर व संदिग्धों पर नजर रखना है, जिस पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी काफी सक्रिय है। इसके अलावा राज्य पुलिस भी सजगता बरत रही है, वहां पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जाती है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा। लेकिन भारत और नेपाल जो सीमा है, एक खुली सीमा है, ये हमें मानना है और हमें जानते भी हैं। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और यहाँ परंपरागत रूप से लोगों का आवागमन फ्री है, और यही बहुत बड़ी चुनौती बनती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जहाँ आवागमन खुली हो, वहाँ संदिग्धों पर नज़र रखना या उस आवागमन का लाभ अराजक तत्व द्वारा या देश विरोधी तत्वों द्वारा ले जाने की संभावना बनी रहती है, परंतु केंद्रीय और राज्य की सभी एजेंसी, राज्य पुलिस इस पर काफ़ी सजग है। हम लोग सब मिलके तालमेल बनाते हुए सीमा पे पूरी सजगता रखे हुए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन, आकस्मिक चेकिंग, फुट पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग, इन समस्त व्यवस्थाओं के तहत हम काम कर रहे हैं और सीमा में सजगता को बनाए हुए हैं। और कोई भी इसी कारण, आपने देखा होगा कि प्रमुख अपराध या अपराधी उसका लाभ नहीं उठा पाया। सर, आतंकवादी गतिविधियां कैसे दिखता है? देखिए, ये इसी से जुड़ी हुई हैं। जब इस पूरे योजना के तहत हमारी केंद्रीय एजेंसी और हमारे राज्य में ATS है, ये भी इस पे नज़र रखी हुई हैं और समय रहते रहते जब भी इस तरह की कोई सूचना है, सूचना संकलन के आधार पर कार्रवाइयाँ करती रहते हैं।